जी दोस्तों, तो आज फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंस के बारे में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म वर्क, शटरिंग, सेंटरिंग, स्टैगिंग एंड स्कैफोल्डिंग। तो ये काफी वर्ड्स जो हैं, इनमें है तो ये एक जैसी, लेकिन इनमें कुछ फर्क है, तो वो क्या फर्क है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले मैंने ऊपर हेडिंग दी है कि डिफरेंस बिटवीन, जो कि आज हमारा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्म वर्क, शटरिंग, सेंटरिंग, स्टैगिंग एंड स्कैफोल्डिंग। तो उसमें सबसे पहले ये है, तो तमाम चीज़ें जो हैं एक ही होती हैं, इनके जो है काम एक ही है, टेम्पररी ये मेंबर्स होते हैं, टेम्पररी तौर पर जो लगाए जाते हैं। लेकिन अब इनको अलग अलग से हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फॉर्म वर्क। तो फॉर्म वर्क क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म वर्क की डेफिनेशन है, हम पढ़ लेते हैं कि इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर विच इज यूज एज अ मोल्ड टू पोर द कंक्रीट। तो ये एक ऐसा टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है कंक्रीट को, जिसमें कंक्रीट डालने के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मेड टू कीप कंक्रीट इन पोजिशन अंटिल इट गेन्स स्ट्रेंथ एंड शेप। तो ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई भी मेंबर हो सकता है जो कि कंक्रीट को पकड़ी रखता है, यानी कि जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी शेप जो है पकड़ नहीं लेती, जब तक वो पुख्ता नहीं हो जाती। जब वो सख्त हो जाएगी, जब वो स्ट्रांग हो जाएगी, जब वो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो वो सख्त हो जाएगी, अपनी शेप पकड़ लेगी और उसके बाद आपने जो है फॉर्म वर्क उतार देना है। तो ये इसकी शेप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास ये टेम्पररी फॉर्म वर्क। अब ये किसका फॉर्म वर्क है, ये हमारे पास स्टेयर्स का फॉर्म वर्क है। तो स्टेयर्स जब भी आप डालते हैं तो उसके लिए पहले फॉर्म वर्क किया जाता है, यानी कि सहारे दिए जाते हैं, सहारे होते हैं। ये सहारे जब देंगे आप, उसके ऊपर जो है फिर आप अपना रीइंफोर्समेंट का काम कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके ऊपर कंक्रीट डाल सकते हैं, जो इसके ऊपर ही रहती है, आगे पीछे वो कहीं नहीं जाती। और फिर जब वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सख्त हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है, अपनी स्ट्रेंथ का हासिल कर लेती है, शेप में आ जाती है जिस शेप में हम लाना चाह रहे होते हैं, फिर आप उसके बाद फार्म वर्क को हटा लेते हैं। तो यानी कि फार्म वर्क का क्या मकसद है कि फार्म वर्क टेम्पररी स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं जिनके जरिए आप जो है किसी भी मटीरियल को, कंक्रीट हो का उसके जैसा कोई भी मटीरियल हो, तो उसको आप उसकी मुकम्मल उसकी शेप हासिल करने के, किसी भी शेप में हासिल करने के लिए उसको और उसकी मुकम्मल स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास था फॉर्म वर्क। तो अब इसके बाद अब शटरिंग क्या होता है, तो शटरिंग के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या कहता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्म वर्क। ये अब फॉर्म वर्क के नीचे है, यानी कि फॉर्म वर्क का पार्ट है। आर यू के यू मे कॉल इट एज डेरिवेटिव ऑफ फॉर्म वर्क, ठीक है। तो आगे कहता है शटरिंग इज अ वर्टिकल टेम्पररी अरेंजमेंट विच इज अरेंज्ड टू ब्रिंग कंक्रीट इन अ डिजायर्ड शेप। अब ये वर्टिकल है सिर्फ, यानी कि शटरिंग की टाइप है जो कि वर्टिकल टाइप है। तो वर्टिकल टाइप में अब क्या कहता है कि वर्टिकल टाइप है, वर्टिकल टाइप जैसे आप कोई भी जो है मटेरियल को अगर पुख्ता करना हो या उसको अपनी शेप में लाना हो, मोल्ड करना हो, तो उसके लिए आप जो है वर्टिकल मेंबर इस्तेमाल करते हैं। तो या नीचे सेकंड डेफिनेशन भी उसने लिखी हुई है, उसमें क्या कहता है कि फॉर्म वर्क विच सपोर्ट्स वर्टिकल अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज शटरिंग। तो यानी कि आप दूसरे सिंपल वर्ड्स में से कह सकते हैं कि फॉर्म वर्क विच सपोर्ट वर्टिकल अरेंजमेंट, जो कि वर्टिकल अरेंजमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको हम शटरिंग कहते हैं। तो आगे नीचे क्या लिखा भी हुआ है कि इन अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म वर्क फॉर कॉलम फुटिंग रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड एज अ शटरिंग। तो यानी कि फॉर्म वर्क जो कॉलम्स फुटिंग और रिटेनिंग वॉल के लिए होते हैं, वो हमारे पास शटरिंग कहलाती है। तो जैसे कि आप नीचे पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे, अब ये देखें ये वॉल है, एक वॉल की जो है शटरिंग की जा रही है ये। तो अब इस साइड पे देखें तो ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम की शटरिंग की जा रही है। अब इसके अंदर कंक्रीट डाली जाएगी। अब यहाँ पे ये जो रिटेनिंग वॉल देख रहे हैं ना, इसमें रीइंफोर्समेंट लगा हुआ, पर आप देख भी सकते हैं इसके अंदर आप कंक्रीट डाल देंगे तो जब ये पुख्ता हो जाएगी तो फिर ये फॉर्म वर्क उतार लिया जाएगा। इसके अंदर भी अब कॉलम है, इसके अंदर कंक्रीट डाली जा रही है, तो कंक्रीट जब डाली जाएगी उसके बाद इसको निकाल लिया जाएगा जब कंक्रीट खुश्क हो जाएगी। तो ये हमारे पास शटरिंग जो कि वर्टिकल मेंबर्स के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शटरिंग। अब आ गया सेंटरिंग। सेंटरिंग की डेफिनेशन क्या है कि सेंटरिंग इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट एंड पार्ट ऑफ फॉर्म वर्क विच इज अरेंज टू सपोर्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर। अब यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, पीछे उसने वर्टिकल मेंबर्स के लिए सपोर्ट के कहा था, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए सपोर्ट का कह रहा है। तो नीचे सेकंड पे लिखा भी हुआ है, इन आर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू द फॉर्म वर्क फॉर फ्लोर बीम्स एंड स्लैब्स इज कॉल्ड एज सेंटरिंग। तो अब यहाँ पे उसने वाजिया करके आपको बता भी दिया हुआ है। तो आगे इसके डायग्राम में भी हम इनको देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास जो है स्लैब है, एक जो उसको लेंटल कह लें या स्लैब कह लें, तो ये उसके फॉर्म वर्क उसकी सपोर्ट के लिए जो है नीचे सपोर्ट जो लगाई गई हैं,
तो ये क्यों, चूंकि हॉरिजॉन्टल है स्ट्रक्चर, तो हॉरिजॉन्टल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट जो करता है वो हमारे पास सेंटरिंग होता है। और ये देखें यहाँ पे हमारे पास सेंटरिंग की गई है, ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटरिंग है, याद रखिए, जो कि हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए होती है। अब आगे है स्टैगिंग। अब ये क्या होता है स्टैगिंग, तो स्टैगिंग की डेफिनेशन में क्या कहता है कि स्टैगिंग इज अ टेम्पररी मेंबर विच इज यूज टू सपोर्ट फार्म वर्क्स। अब ये कह रहा है कि फार्म वर्क को सपोर्ट करते हैं जो, इधर इट मे बी फॉर सेंटरिंग और शटरिंग, तो ये कोई फर्क नहीं होता कि अगर ये सेंटरिंग के लिए हो या शटरिंग के लिए। इट इज डन बाय प्रॉप्स, जैक्स, एच फ्रेम्स, कप लॉक सिस्टम, वुडन बैलेज एक्सेट्रा। तो ये जो है कि मुख्तलिफ जो है किया जाता है प्रॉप्स के जरिए, जैक्स के जरिए, एच फ्रेम्स के जरिए, कप लॉक सिस्टम के जरिए, वुडन बैलेज और इस तरह के मुख्तलिफ अलग अलग, तो आप इनको शेप में देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसके नीचे जो है फॉर्म वर्क लगा हुआ है उसको सपोर्ट किया जा रहा है इन मेंबर्स के जरिए। ये देखें अगर आप, तो ये स्टील के मेरा ख्याल लगी हुई हैं, तो इनको शायद मतलब इनको अलग से कहा जाता है, इनका नाम स्टैगिंग होता है। यहाँ पे भी देखें अगर आप, तो ये भी हमारे पास अलग अलग स्टैगिंग लगी हुई है, ये सारी स्टैगिंग से सपोर्ट किया जा रहा है फॉर्म वर्क को। फॉर्म वर्क को सपोर्ट करने वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, स्टैगिंग होती है, ठीक हो गया। तो अब स्टैगिंग ही क्लियर हो गया, अब है स्कैफोल्डिंग। अब इसमें स्कैफोल्डिंग क्या है, तो इसमें डेफिनेशन में क्या कहता है कि फार्म वर्क इज अरेंज टू सपोर्ट द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, फार्म वर्क इज अरेंज टू सपोर्ट द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, वेयर एज स्कैफोल्डिंग इज प्रोवाइडेड एज अ वर्कर्स प्लेटफॉर्म अराउंड द बिल्डिंग टू वर्क एट हाइट। स्कैफोल्डिंग इज अ मूवेबल एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। तो अब वो कह रहा है कि फॉर्म वर्क जो स्ट्रक्चर मेंबर को सपोर्ट करता है, लेकिन स्कैफोल्डिंग जो है वो मेंबर जो है वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। यानी कि अब कोई हाइट पे काम कर रहे हैं आप, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाइट पे, तो उसके लिए आप स्कैफोल्डिंग लगाते होते हैं। तो स्कैफोल्डिंग जब हाइट पे काम कर रहे हैं तो स्कैफोल्डिंग मूवेबल भी हो सकती है या फिक्स भी हो सकती है। तो आप इनको शेप में देखें नीचे फोटो में, तो यहाँ पे देखिए अब ये वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तमाम वर्कर्स, अब ये वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे आ गई है हाइट, तो हाइट पे अब नीचे से खड़े होकर तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए इन्होंने ये देखें रेड कलर्स के आपको जो है स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा होगा, ये इन्होंने स्कैफोल्डिंग की हुई है। यहाँ पे आप इन्होंने जो है अपने लिए स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे ये एक जगह खड़े होकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें अलग अलग मेंबर्स जो हैं ऊपर खड़े हुए हैं इनके, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगर दूसरी पिक्चर में आप देखें तो यहाँ पे हाइट पर एक बंदा जो है खड़ा हुआ है जो कि काम कर रहा है हाइट पर, तो इसलिए नीचे खड़े होकर चूंकि नहीं कर सकता तो इसलिए स्कैफोल्डिंग इसने की हुई है। ये देखें इसने अपने लिए जो है जगह बनाई हुई है, तो इस ऐसे जो है अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो ये हमारे पास चार पांच तरीफें थी, हमने फार्म वर्क भी पढ़ लिया। फार्म वर्क क्या था कि जो है सपोर्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को, ख्वाब वो हॉरिजॉन्टल मेंबर हो, स्ट्रक्चरल मेंबर हो या वर्टिकल हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ और शेप हासिल नहीं कर लेता। फिर शटरिंग थी, शटरिंग और सेंटरिंग आ जाती है, वो दोनों इसी की टाइप्स हैं। शटरिंग याद रखे वर्टिकल के लिए होता है, जिसमें कॉलम वगैरह आ जाती हैं, वॉल्स आ जाती हैं, उनकी अगर आपने फॉर्म वर्क करना हो। और सेंटरिंग जो है वो हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए, जिसमें कोई स्लैब हो, लेंटल हो, कुछ भी हो। और स्टैगिंग जो फॉर्म वर्क को सपोर्ट्स करती हैं, फॉर्म वर्क हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शटरिंग में कर रहे हैं या सेंटरिंग में कर रहे हैं, उनको सपोर्ट जो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैगिंग। और स्कैफोल्डिंग वो होती है जहाँ पे जो है मैं आपके वर्कर्स जो है हाइट पे जो है खड़े होकर काम, हाइट पर जाकर भी काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आप भाइयों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को सारे लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही दबा दें बेल आइकन के बटन को ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Changes.